टुडे इज 22nd October 2016। आज का पहला अपडेट, IGKV छत्तीसगढ़ डेवलप्स प्रोटीन एनरिच्ड राइस वैरायटी। एज पर अ सर्वे कंडक्टेड इन 2015, वेरी हाई रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन वॉज फाउंड अमंग प्री स्कूल चिल्ड्रंस इन ट्राइबल एरियाज, शोइंग कंडीशंस लाइक बींग अंडरवेट एंड स्टंट ग्रोथ, विच इंडिकेट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। इसमें होगा ये कि राइस में जो प्रोटीन कंटेंट है वो 10% रहेगा जो इन लोगों ने डेवलप किया है। रिसर्चर्स की ये होप है कि इससे माल न्यूट्रिशन से लड़ने में आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जब 2015 में सर्वे किया गया था कुपोषण का छत्तीसगढ़ में, तो ये पाया गया था कि छत्तीसगढ़ में अकेले में 5 लाख जो किड्स थे, बच्चे थे, वो कुपोषित थे। इससे पहले कुपोषण का जो दर रहा था 2005-06 में वो 47.1% था, और आज यानी कि अक्टूबर 2016 में 29.8% हो चुका है, यानी अच्छी खासी गिरावट हुई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, द आदिवासी विल नॉट डांस, ऑथर्ड बाय हसंद सोवेंद्र शेखर। हसंद सोवेंद्र शेखर इज ऑल्सो ऑथर ऑफ क्रिटिकली क्लेम्ड नॉवेल द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बैस्की, which was shortlisted for the Hindu Prize 2014 and Crossword Book Award 2014. Basically, Hasan Savendra Shekhar jo hain, wo Jharkhand ke medical officer hain. Inhe pehle bhi apni kitab jo thi inki likhi hui, The Mysterious Element of Rupi Baski ke liye Hindu Prize 2014 mein shortlist kiya gaya tha. Next, Union Government launched Udaan for regional air connectivity. The scheme Udaan will provide connectivity to the underserved airports of country, yani ki chote airports, through revival of existing airstrips and airports. Civil Aviation Ministry jo hai hamari, uske jo minister hain Ashok Gajapati Raju, unhone ye scheme launch ki hai. 10 saal ka tenure rahega is operation ka, यानी 10 साल तक ये स्कीम चलती रहेगी छोटे टाउन्स में, छोटे कस्बों में, स्मॉल टाउन्स में। यहाँ के लोगों के लिए ये एक रियलिटी साबित होने वाली है, बिकॉज जो प्राइसिंग जो है वो 2500 रुपीज़ के आसपास रहेगी, पर आवर के बिहाफ पर होगी प्राइसिंग, यानी एक घंटे में चार्ज लगभग 2500 रुपीज़ देना होगा। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड बैंक साइन $650 million एग्रीमेंट फॉर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नाउ सी, इंडिया ने $650 million का लोन एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक से EDFC 3 प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3 के लिए। अब इससे फ़ायदा ये होना है कि जो इंडस्ट्रीज रेलवे पे डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी अपनी कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लस रेलवे में जो पैसेंजर्स होते हैं और वो जो परेशानी होती है उन्हें भीड़ के कारण, इस चीज़ से, इस प्रोजेक्ट से उन्हें रिलैक्सेशन होगा। और ये प्रोजेक्ट चलेगा भारत के नॉर्थ और ईस्ट साइड में। ये प्रोजेक्ट पे जो काम करेंगे उस कंपनी का नाम है DFCCIL, यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर अपडेट। हर दिन के अपडेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।